ओके तो चलो सब लोग खड़े हो जाओ और प्रेयर करते हैं। वेरी गुड एवरीवन, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आई एंड स्टार्ट। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। नाउ ओपन योर आईज। अब हमारी नेक्स्ट प्रेयर। चलो राइट हैंड को लेफ्ट साइड रखो और हम स्टार्ट करते हैं हमारी जी एंथम। ओके, यू आर विद इन मी, यू आर इनफाइनाइट, you are unique, my potential inside, you are the wind, made it my flight, you define me, my potential inside, today I create with all my might, I shall achieve you, my potential inside, very good. Okay बच्चों, हमारी प्रेयर हो गई। अब प्रेयर के बाद हमें क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है ना। वेरी गुड, तो चलो ऐसे हाथ रखो, ऐसे। वेरी गुड, वन टू थ्री फोर, रिलैक्स। फिर साइड, वन टू थ्री फोर, वेरी गुड। और अभी हम दोनों हाथ को रब करेंगे, रब करो जोर से फास्ट, और अपने दोनों हाथ को आइस पर टच करो ऐसे। वेरी गुड, वेरी गुड। अपने हाथों को ले लो, वेरी गुड। और फिर से एक बार रब करो और फिर से हाथों को टच करना है, आइस को टच करो। चलो ऐसे टच करो आइस को ऐसे। अब ले लो अपने हाथों को, वेरी गुड। और हमें अभी क्या करना है? आइस रोटेट वाली एक्सरसाइज करेंगे। ओके, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। कैसे करना है इसके सामने देखो, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, फिर से राइट साइड। ओके, अब हमें आइस वाली एक्सरसाइज करनी है। पहले हमें आइस को राइट साइड लेके जाना है, फिर लेफ्ट साइड। कैसे? इस तरह से राइट और एक लेफ्ट साइड लेके जाओ, लेफ्ट, फिर से राइट, फिर लेफ्ट। ओके, अब लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट कहाँ पर रखनी है आइस को? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड देखो, फिर राइट साइड, अगेन लेफ्ट, देन राइट। ओके, एक्सरसाइज करने में मजा है ना, वेरी गुड। नाउ अब हमारा है कॉन्सेप्ट टाइम, और इसमें हमें क्या करना है? हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपना नाम बोलना है, अपनी एज बोलनी है। और कैसे करेंगे? चलो टीचर बताएंगे। देखो ये कौन है? गर्ल, है ना। और ये कौन है? बॉय। आप लोग भी गर्ल और बॉय साथ में बैठे हो ना, तो गर्ल अपना नाम कैसे बताएगी और बॉय कैसे बताएगा ये आपको देखना है। पहले गर्ल्स की पारी है, बोलो हाय, माय नेम इज पूजा, आई एम 4 years old। समझ में आया? ये बॉय है, अब बॉय क्या कर रहा है? बॉय बोलेगा माय नेम इज दर्श, आई एम 4 years old, है ना। ऐसे ही जो गर्ल होगी वो गर्ल अपना नाम बताएगी और एज बताएगी अपना, और जो बॉय होगा वो भी अपना नाम और अपनी एज बताएगी। ओके, सबको पता चला ना, वेरी गुड। हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड। अभी आपने क्या किया? एक्सरसाइज, प्रेयर, सब कुछ किया ना? हाँ, कौन से मैम ने करवाई? रोशनी मैम ने। अच्छा, सबको मजा आया ना? हाँ, तो अब हमें क्या करना है? मैथ्स टाइम, राइटिंग करना है ना सबको? यस, मैथ्स में क्या होता है? नंबर्स, यस। अब हम लोग नंबर्स करेंगे। ओके,
three. Which number is this? Three. All of you say three. Four. Which number is this? Four. लिखा सबने? ओके, अब यही नंबर्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपको ड्रेस के लिए डॉट्स नहीं दिए हैं, आपको अपने आप ही लिखना है। नाउ फर्स्ट मेक अ स्टेपिंग लाइन, ऐसे करना है। वन, देन आफ्टर टू, व्हिच नंबर इज दिस? टू। और आप इसे वन टू, टू आफ्टर आ रहा है। वेरी गुड।
हमने ए भी किया, अभी सी करना है। सी को भी पहले ट्रेस करेंगे ऐसे, सी ओके। अब हमें डी को ट्रेस करना है, ओके। ई भी करना है, क्या है? अब हमें बिना ट्रेस के सी लिखना है ऐसे, ओके। और हमें ई बिना ट्रेस के लिखना है, और अब हमें क्या लिखना है? ई ई को कैसे ट्रेस करते हैं? पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। अब यहाँ पे हम बिना ड्रेस के लिखेंगे, पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, ओके। ये हमारा आज तक ये ई यहाँ पे खत्म हो गया, ओके। आज हमने क्या लिखा? ए बी सी डी ई, ये हमारी कौन सी एबीसीडी है? कैपिटल एबीसीडी, ओके। और जो हमने यहाँ पे ब्लैकबोर्ड पे किया वो हमें वर्कशीट में करनी है, ओके। और मैथ्स जो हमने किया 1 to 5 वो भी मैथ्स किया है, वो भी हमें वर्कशीट में करना है, ओके। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंड, ए फॉर एग्स एंड ए फॉर एरोप्लेन, ओके। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंड, ए फॉर एग्स एंड ए फॉर एरोप्लेन। आ गया सबको? वेरी गुड। अब ये क्या है? बी। और हमें बी, बी से क्या होता है? बी फॉर वर्कशीट में बी फॉर बलून था ना, तो बॉल था ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे बी से बॉल भी होता है, और बी फॉर बलून, बी फॉर बस, बी फॉर बकेट एंड बी फॉर बेबी। फिर से बोलो, बी फॉर बलून, बी फॉर बस, बी फॉर बकेट एंड बी फॉर बेबी। ये क्या है? सी है ना, वर्कशीट में क्या था? सी फॉर काउ है ना। यहाँ पे क्या है? सी फॉर का, सी फॉर के, सी फॉर कप एंड सी फॉर चेयर है। फिर से बोलो, सी फॉर का, सी फॉर के, सी फॉर कप एंड सी फॉर चेयर। और अब ये क्या लिख रहा है आपको? डी है ना, डी फॉर वर्कशीट में था ड, और डी फॉर से और क्या क्या होते हैं? डी फॉर ड्रम, डी फॉर डाइस, डी फॉर डो एंड डी फॉर डॉल है ना। डी फॉर ड्रम, डी फॉर डाइस, डी फॉर डो एंड डी फॉर डॉल। और ये क्या है? ई, ई फॉर वर्कशीट में था एलिफेंट है ना, और इसे और क्या क्या होते हैं? ई फॉर एनिमल, ई फॉर ईयर, ई फॉर एग एंड ई फॉर इंजन, ई फॉर एनिमल, ई फॉर ईयर, ई फॉर एग एंड ई फॉर एंजिन। आज हमने 5 लेटर्स किए ना, कौन कौन से किए हैं? ए बी सी डी एंड ई। हमें वर्कशीट में भी ए बी सी डी ई तक कंप्लीट करनी है। पहले हमें ट्रेस करना है और फिर बिना ट्रेस के करना है, ओके। वेरी गुड। चलो बच्चों, हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं, ओके। ट्रेस एंड राइट द लेटर्स, हमें ट्रेस करना है और वापस फिर से ए बी वैसे लिखना है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। तो यहाँ पे देखो, रेड ब्लू ब्लू रेड, ऐसे 4 लाइन दिया है। कितनी दिया है? 4, 1 2 3 4। तो हमें ए लिखना है स्लेंटिंग में, तो यहाँ पे हमें ट्रेस करना है पहले। तो देखो ऐसे, और स्लीपिंग लाइन,
इसे हमें ट्रेस करना है। 1, 2 और 3 लाइन में ही लिखना है। ओके, 1 स्लैंटिंग, 2 स्लैंटिंग, स्लीपिंग, बराबर। 1 स्लैंटिंग, 2 स्लैंटिंग, स्लीपिंग। देखो ब्लू लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए और रेड से हमें स्टार्ट करना है। 1 स्लैंटिंग, 2 स्लैंटिंग, स्लीपिंग, 1 स्लैंटिंग, 2 स्लैंटिंग, स्लीपिंग। ए फॉर एप्पल। अब हम क्या करेंगे, बी। बी फॉर बॉल, ब। ए फॉर एप्पल, अ। ए फॉर एप्पल, अ। बी फॉर बॉल, ब। बी फॉर बॉल, ब। तो अब हम कौन सा लेटर लिखेंगे, बी, ब। रेड से स्टार्ट करना है, ब्लू तक करना है, ये हमें ट्रेस करना है। स्टैंडिंग लाइन, 1 कर्व, 2 कर्व। 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 ये हमने क्या किया, बी। बी फॉर बॉल, ब। अभी ये क्या है, सी। सी फॉर काउ, सी फॉर काउ। तो अभी यहाँ पे हमें ट्रेस करना है सी, रेड से स्टार्ट करना है और ब्लू तक जाना है। चलो ट्रेस करते हैं, सी सी। सी सी फॉर काउ, सी फॉर काउ। डी, डी फॉर डक, डी फॉर डक, डी फॉर डक। देखो रेड लाइन से स्टार्ट करना है, ब्लू तक जाना है। स्टैंडिंग लाइन, बड़ा वाला कर्व करना है, डी। स्टैंडिंग लाइन, कर्व। समझ में आया ना बच्चों, स्टैंडिंग लाइन, कर्व। स्टैंडिंग लाइन, कर्व। स्टैंडिंग लाइन, कर्व। ओके, चलो डी के बाद क्या आता है, ई। ई फॉर एलिफेंट, वेरी गुड। ई फॉर एलिफेंट। यहाँ पे हमें स्टैंडिंग लाइन करना है, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ये क्या किया, हमने ट्रेस किया है। वापस हम ट्रेस करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ई, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ई फॉर एलिफेंट, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। काउंट द फिंगर्स, ट्रेस एंड राइट द नंबर्स। ये कितनी फिंगर्स है, 1। तो अभी हम क्या करेंगे, 1 लिखना है तो पहले हम ट्रेस करेंगे, 1। यहाँ पे हमें वापस लिखना है, 1 1 1। अभी ये कितनी फिंगर्स है, 1 एंड 2। तो अभी हमें क्या लिखना है, ऐसे 2 लिखना है। तो चलो ट्रेस करते हैं नंबर 2।
टू 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 वन टू। अभी हम कौन सा नंबर लेंगे? थ्री। काउंट करते हैं, चलो वन टू एंड थ्री। तो चलो थ्री ट्रेस करेंगे। हाँ, वन कप टू कप, वन कप टू कप, थ्री करना है। क्या करना है हमें? थ्री। अभी कौन सा नंबर आया? वन टू थ्री एंड फोर। तो अभी हमें फोर नंबर ट्रेस करना है। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, है ना? फोर। फोर। अब ये कितने फिंगर्स है? वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तो अभी हमें स्ट्रेस करना है फाइव नंबर। वन ऐसे करना है, फिर वापस काउ करना है। ऐसे करेंगे हम, फिर काउ करेंगे। ऐसे भी हम कर सकते हैं। हाँ, फाइव। ओके, कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है? अब हमारा स्टार्ट हो रहा है सेंसरी टाइम। इसमें आज हम क्या करेंगे पता है? कलर रिकॉग्नाइज करना है। आपको सबको कलर पता है कौन कौन से होते हैं? रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, सबको पता है? वेरी गुड। तो बताओ ये कौन सा कलर है? विच कलर इज दिस? ब्लू। वेरी गुड। और ब्लू कलर का क्या होता है? स्काई, है ना? स्काई होता है ना? वेरी गुड। अब ये कौन सा कलर है? येलो, है ना? येलो कलर का क्या होता है? लेमन होता है ना, लेमन येलो कलर का। वेरी गुड। और अब ये कौन सा कलर है? ग्रीन। ग्रीन कलर है ना? ग्रीन कलर सबको अच्छा लगता है। और ग्रीन कलर किसमें होता है? लिप में, है ना? लिप पे जो लिप होती है ना, उसके अंदर जो लिप होती है उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। वेरी गुड। और ये सबको पता है ना, ये कौन सा कलर है? रेड। और रेड में क्या होता है? टोमेटो। वेरी गुड, सबको आता है। वेरी गुड। आज हमने कौन से कलर रेकग्नाइज किए हैं? रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। वेरी गुड। और अब हम क्या करेंगे? राइम्स। ओके ओके बच्चों, अब हमें राइम्स करनी है। आज आपने लैंग्वेज टाइम में ए टू ई किया, फिर नंबर्स किए, तो उसके रिलेटेड ही हमें राइम्स करनी है। ओके, तो पहले कौन सी लेंगे? ए बी सी राइम्स ना। ओके, कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, I will teach you A, B, C. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. L, M, N, O, P, Q, R, S, T. U, V, W, X, Y, Z. X, Y, Z. मजा आया सबको? अब कौन सी करेंगे? नंबर्स वाली राइम।